हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इस टॉपिक के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं कि इसमें हम एक पॉइंट से पास होने वाली एंड एक वेक्टर के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। इसके बाद हम टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। तो चलिए अब हम इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हम एक गिवन पॉइंट से पास होने वाली एंड एक गिवन वेक्टर के पैरेलल लाइन की इक्वेशन फाइंड करना सीखेंगे। इसे समझने से पहले यदि हम टू डायमेंशनल स्पेस की बात करें तो यह कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं एंड यह एक्स वाई प्लेन होता है। अब प्लेन में एक लाइन यूनिकली डिटरमाइन करते हैं। यदि लाइन एक गिवन पॉइंट से पास होती है एंड उसकी डायरेक्शन गिवन हो, इसके लिए माना कोऑर्डिनेट प्लेन में एक पॉइंट है पी जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन कुछ इस प्रकार है। अब यदि यह लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तब इस लाइन की स्लोप होगी टेन थीटा। यहां देखें तो दिए गए पॉइंट से गुजरने वाली एवं स्लोप टेन थीटा रखने वाली केवल एक ही लाइन होगी। अब हम एक और कंडीशन देखते हैं। हमें उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि दो गिवन पॉइंट से पास होती है। तब इसके लिए माना एक पॉइंट है ए जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 एंड एक पॉइंट है बी जिसके की कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3 एंड इनसे पास होने वाली लाइन कुछ इस प्रकार है। अब यदि यह लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बनाती है तब इसके लिए स्लोप कुछ इस प्रकार से डिफाइन होगा। यहां भी हम देख सकते हैं कि गिवन टू पॉइंट से पास होने वाली लाइन यूनिक है। अब हम थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस कुछ इस प्रकार के होते हैं। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट से पास होने वाली तथा एक वेक्टर के पैरेलल लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। माना गिवन पॉइंट है ए एंड एक गिवन वेक्टर है वेक्टर क्यू। अब हमें पॉइंट ए से पास होने वाली एंड वेक्टर क्यू के पैरेलल लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसके लिए माना पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वह है ए वेक्टर। अब माना इस लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट पी इस प्रकार है कि इसका पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर। अब यदि हम एपी वेक्टर की बात करें तो डायग्राम से हम कह सकते हैं कि यह क्यू वेक्टर के पैरेलल है। सो हम यहां से लिख सकते हैं कि एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू क्यू वेक्टर, जहां लैम्डा एक रियल नंबर है। अब ट्रायंगल ओएपी में देखें तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ओपी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर। अब इसमें ओपी वेक्टर, ओए वेक्टर एंड एपी वेक्टर की वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह मिलता है जो कि है आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर क्यू। यह वेक्टर फॉर्म में गिवन पॉइंट से पास होने वाली एंड गिवन वेक्टर के पैरेलल लाइन की इक्वेशन है। अब हम कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। इसके लिए माना पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट से x1, y1, z1, तब पॉइंट ए का पोजिशन वैक्टर होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k एंड माना पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z तब पी का पोजीशन वेक्टर होगा xi + yj + zk। एंड माना वेक्टर क्यू ai + bj + ck के इक्वल है तब वेक्टर ए, वेक्टर आर एंड वेक्टर क्यू की वैल्यू को लाइन की वेक्टर फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करने पर हमें यह मिलता है। इसे सिंप्लीफाई करके हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब दोनों साइड i, j एंड k के कोफिशियंट्स को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं कि x-x1 लैम्डा ए के इक्वल होगा, y-y1 लैम्डा बी के इक्वल होगा एंड z-z1 लैम्डा सी के इक्वल होगा। अब प्रत्येक इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करके हमें यह रिजल्ट मिलता है। यदि हम यहां से ऑब्जर्व करें तो हम देख सकते हैं कि ये सभी वैल्यूज लैम्डा के इक्वल हैं। सो लैम्डा को एलिमिनेट करके हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं।
जो कि है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। यह जो इक्वेशन हमें मिली है वह कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है, जो पॉइंट ए एक्स वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन से पास होती है एंड ए बी एंड सी इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। यदि लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एंड एन हो तब ए को एल से, बी को एम से एंड सी को एन से रिप्लेस करने पर हमें लाइन की इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाती है। ये सभी इक्वेशंस लाइन की जनरल फॉर्म्स कहलाती हैं। अब हम इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।